के हमरे ली माही चौरा लैका मन खेले भौरा बाटी ढोला। उसमें जो गाने हैं इतने सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने इतना बढ़िया फिल्मांकन किया है। तो मैंने देखा इंटरवेल में भी लोगों के आंखों में आंसू मैंने देखा। ये अद्भुत फिल्म बनी है। मैंने समाज के इमोशन को जो भावनात्मक रूप से हम लोग सामाजिक व्यवस्था में जीने वाले लोग हैं उनके लिए एक आदर्श है। तो इस पिक्चर में जिन लोगों को भी मैंने देखा इंटरवेल में भी लोगों के आंखों में आंसू मैंने देखा। मैंने इस प्रकार से अपनी आत्मा को दर्शन लाभ प्राप्त करना है तो इस पिक्चर को जरूर देखें, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इतने कम समय में हमने एक अच्छी पिक्चर और वो भी प्रभात टाकीज में देखने का सौभाग्य प्राप्त किया। तो इसमें एक संदेश है कि समाज जाति प्रथा संप्रदाय से हट करके महाभारत जो आदि ग्रंथ है हमारे भारत के लिए उससे किस प्रकार से हम प्रेरणा ले सकते हैं और द्वापर युग की कथा को वर्तमान में जिस ढंग से दिखाया गया है वो काबिले तारीफ है। मैं चाहता हूँ पूरे छत्तीसगढ़ के हर समाज के लोगों को नाम पे न जा करके पिक्चर में जिस ढंग से लोगों को समाज में जा कर के संदेश दिया गया है, मैं तो कहता हूँ कि सतयुग में त्रेता में द्वापर में लोग बहुत संघर्ष करते थे मोक्ष प्राप्ति के लिए। यदि कलयुग में मोक्ष प्राप्ति करना है तो इस पिक्चर को देखें और धर्म के प्रति आस्था को जोड़ते हुए नीच प्रति ये नियम बना लें कि मैं धार्मिक आस्था को लेकर के अपना जीवन यापन करूंगा। सर आप छत्तीसगढ़ के एक बड़े कवि हैं, तो कवि के दृष्टिकोण से इसके कहानी के बारे में क्या कुछ और कहें? अच्छा कहानी देखो जिस ढंग से भी कहानीकार अपनी कहानी को लिखता है और हम लोग भी जब कोई चीज की कल्पना करते हैं तो हम लोग एक ग्रामीण परिवेश मैंने देखा गांव का दृश्य था और जब हम गांव में जाते हैं तो आज भी हम कल्पना करते हैं कि नीम का एक चौरा है, नीम के पेड़ में मिट्टी डाल दिया गया है तो वहां पर हम कैसे अपने उद्गार प्रकट करते हैं कि हमरे ली माही चौरा लैका मन खेले भौरा बाटी ढोलावे यारी पारिया के बैठे रहता हूँ मैं समरे गली मोहाटी संगरे अंतस के पीरा लागे भारिया और नहीं छोड़ो जी हाँ जाबे कम चिल के फांस लागे पीरा पीरा वे बलिहारी। मैंने समाज के प्रति जितने भी दुख सुख दर्द हैं उसको गीत अपनी कविता लेकर के गीतकार प्रस्तुत करता है। जैसे एक महिला का हम चित्रण करते हैं ते चुकारा दे दे दाऊ मोला जान देना गा धूप उधा कर में जिंदगी ठिकाना नहीं पने अरे गर्षिनी चूरो न कछर ही लगा रहे हो दिन बूढ़ा चीनी जाऊं ते ठिकाना नहीं पड़े ते जुकारा दे दे दाऊ मुला जान दे नगा दुपुर धाकर में जिंदगी ठिकाना नहीं पड़े। ये कभी अपनी कल्पना में जीता है लेकिन यथार्थ को भक्ति भाव को दिखाने के लिए जिस ढंग से पिक्चर में लोगों ने और जो इसके निर्देशक के साथ साथ जितने भी आर्टिस्ट हैं अब उसमें जो गाने हैं इतने सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने इतना बढ़िया फिल्मांकन किया है। तो हमारा तो ये आशीष रहेगा कि इस पिक्चर को हर समाज के लोग देखें और चर्चा करें कि वाकई में इस प्रकार के हर धर्म के लोगों को भी अपने अपनी बात को कहने का साहस हो और लोगों के सामने एक अच्छी प्रस्तुति लेके आए तो हम समाज में एक नई जिंदगी देने के लिए लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर आप फिल्म देखने आए इसके लिए पॉपकॉर्न फिल्म की तरफ से आपका हृदय से आभार। बहुत धन्यवाद।